आज 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए चार बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों सारी खबरों को जान लेते हैं एक एक करके, किस किस राज्य से बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर क्या क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज की पहली और बड़ी खबर सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए है। आपको बता दें कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं कल से स्टार्ट हो रही हैं और स्कूलों को बोर्ड परीक्षा से पूरे 10 दिन पहले प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म करने होंगे, ये बोर्ड की तरफ से निर्देश दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं आज की अगली और बड़ी खबर। आज की अगली और बड़ी खबर NIOS के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेटशीट अब आ चुकी है। 4 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं आज की अगली और बड़ी खबर जो की यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है। यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होगा। जल्द ही उनकी प्री बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी होने वाली है। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा करवाया जाता है और हर साल डेटशीट को दिसंबर महीने के अंत तक जारी कर दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष आयोग ने अभी तक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी नहीं की है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मार्च के अंत तक प्री बोर्ड परीक्षाओं को संपन्न करवा लिया जाएगा। खैर जैसे ही बोर्ड की तरफ से कोई भी बड़ी खबर निकल कर आएगी तो हम आपको बता देंगे सबसे पहले।